दोस्तों आज हम देखेंगे एक बैटरी को सिंपल तरीके से कैसे वायरलेसली हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसमीटर होगा उसको बनाने के लिए 2N3055 एक ट्रांजिस्टर हमें चाहिए, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है और इसका पिन आउट भी आप लोग देख लीजिए। इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ मैंने एक 100 ओम का रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक सटीक वैल्यू का रजिस्टर को लगाना जरूरी है, नहीं तो ये सर्किट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर 28 गेज का कॉपर कॉइल लिया है। 15 राउंड मारने के बाद 0 वाला जो टर्न है वो ऐसे बाहर की तरफ छोड़कर उसी डायरेक्शन में फिर से 15 राउंड मार दिया। दोस्तों हमारा कॉइल रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये एनामेल कॉपर वायर अपनी जगह में ठीक तरीके से रहे, इसलिए मैंने एक सेलोटेप की मदद से इसको अच्छी तरीके से बांध दूंगा। दोस्तों क्योंकि ये एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है तो इसका जो इंसुलेशन है ये हम चाकू की मदद से थोड़ा बहुत हटा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कनेक्शन कर सके। अब हम कॉपर कॉइल का पहला भाग को जोड़ेंगे कलेक्टर के साथ और जो अंतिम भाग है इसको हम बेस के साथ जोड़ देंगे। ट्रांजिस्टर के एमिटर में हम नेगेटिव सप्लाई देंगे और जो पॉजिटिव सप्लाई होगा ये हम कॉइल का जो बीच वाला हिस्सा था या फिर 0 वाला टर्न था उसमें देंगे। अब हमारा जो रिसीवर कॉइल होगा उसके लिए हम डायरेक्ट 30 टर्न लेंगे और इस कॉइल को एक LED के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये 2.5 वोल्टेज का एक LED है। आप लोग जानते ही होंगे कि एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी डायरेक्ट इस 2.5 वोल्टेज को बैटरी को नहीं जला सकता, क्योंकि बैटरी खुद से ही एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी है, आप लोग समझ सकते हो। दोस्तों हम जब दो बैटरी को सीरीज में लगाकर 3 वोल्टेज बनाते हैं तब एक LED को जलाना बहुत आसान बात हो जाता है, लेकिन जब एक बैटरी का बात आता है तो ये नहीं जला पाता। अब हमारा जो बैटरी है ये खुद से ही 1.5 वोल्टेज का है तो ये कैसे जला पाएगा 2.5 वोल्टेज के LED को। अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है ब्रिज रेक्टिफायर को, जो कि मैंने बनाया है 1N4007 डायोड की मदद से। अब इसका जो यहाँ पर हम AC सप्लाई देते हैं वहाँ पर ही हम जो रिसीवर कॉइल है इसको लगा दिया। ये DC आउटपुट है, आप लोग इस सर्किट डायग्राम की मदद से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कहाँ पर ये कनेक्शन है। ये कैपेसिटर को भी मैंने लगा दिया ताकि ये स्टेबल हो सके। दोस्तों ये सर्किट स्टेप अप सर्किट भी है, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने 1.5 वोल्टेज का सप्लाई दिया है इनपुट पे और आउटपुट पे 22 वोल्टेज तक ये जनरेट हो रहा है। हाँ एम्पियर तो बहुत ही कम होगा। अब रिसीवर कॉइल में मैंने एक 12 वोल्टेज का LED को लगा दिया। अब देखते हैं ये 3 वोल्टेज का जो बैटरी है ये जला पता है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्लो हो रहा है, जैसे 12 वोल्ट का LED ग्लो होना चाहिए। तो ये देखिए आउटपुट में 40 वोल्ट तक जनरेट कर रहा है जब मैं 3 वोल्टेज 1 एम्पियर का बैटरी यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब ये देखिए इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ मैंने इस रिसीवर कॉइल को लगा दिया है जहाँ पर एक बैटरी भी कनेक्टेड है। अब देखिए ट्रांसमीटर जो कॉइल है उसके ऊपर जब रिसीवर कॉइल रख रहा हो तो देखिए रेड LED जल रहा है, मतलब ये बैटरी जो है चार्ज हो रहा है हमारा। दोस्तों सबसे आसान तरीके से मैंने आप लोगों को वायरलेस बैटरी चार्जर को बना के दिखाया। अब आप लोग इसको अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो जहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट का भी लगाना जगह हो। आप देख सकते हैं मेरे इस फ्लिकरिंग कैंडल में अगर मैं इसमें एक बड़ा सा चार्जिंग सॉकेट लगा दूं तो ये बहुत देखने में बहुत ख़राब दिखेगा। तो मैंने इसलिए इसके अंदर जो है एक रिसीवर कॉइल को लगा दिया है जब मैं इस ट्रांसमीटर कॉइल के ऊपर ये रख रहा हूँ तो ये चार्ज हो रहा है। दोस्तों ये आइडिया अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट मैं करता रहता हूँ।